अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, नमस्कार, सत श्री अकाल, अ वेरी गुड इवनिंग। कल जो है मेरा बर्थडे था, जन्मदिन, यौमे पैदाइश, और बहुत से लोगों ने मुझे विश किया। हालांकि मैंने डिसाइड किया था कि मैं अपना सालगिरह, जन्मदिन, बर्थडे मनाऊंगा नहीं, क्योंकि जो देश, जो हमारा एक जिस तरह से एक महामारी से जूझ रहा है, जिस तरह से हमारे देशवासी पूरे बुरी तरीके से, चाहे इकोनॉमी के फ्रंट में हो, चाहे रोजगार के फ्रंट में हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे रोजी रोटी की बात हो, हर उसमें जो है जद्दोजहद हो रही है। लोग जो हैं वांट्स टू बी, शकील अहमद साहब वांट्स टू बी इन वीडियो अप्रूव, तुम उसमें से करके अदालत अप्रूव कर दो। Anyway, तो मैं ये कह रहा था कि मैं तो पहले सबसे बड़े सबका शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने मुझे बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारे विशेष, बहुत सारे दुआएं भेजी। और नेहा सिंह जी रिलेटेड हैप्पी बर्थडे, फिर मैं वही कहता था, आप सबका बहुत शुक्रिया। और बहुत से मेरे फोन जो हैं दुबई से, कतर से, और सलाला से, ओमान, इंडोनेशिया, मलेशिया, टर्की, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, स्पेन, सब जगह से आए, पाकिस्तान, बांग्लादेश, हर जगह से जो है लोगों ने विश किया है। सब आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बस इतना कहना चाहूंगा कि आपकी ही दुआओं से मैं बचा हूं, आपकी ही जो प्रार्थनाएं हैं, जो प्रेयर्स हैं, उससे जिंदा बचा, और आपकी ही दुआओं से। लोग कहते हैं कि आपको डर नहीं लगता, तो मैं ही कहता हूं कि इतना प्यार है, इतना लोगों का साथ है। 131 करोड़ तो हम भारतीय हैं, बाकी पूरी दुनिया में कितने लोग हैं जो इतना प्यार करते हैं, तो मुझे नहीं लगता मुझे डरना चाहिए। डरना तो अल्लाह है ही हमारे लिए। जी 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 शमशाद आलम साहब, तो मैं कहना चाहता था कि आपने जो सबसे पहले, तो आपने जो मुझे विश किया है उसके लिए मैं आपको शुक्रगुजार हूं। बस लेकिन आपसे यही कहूंगा कि आप जो देश में इस वक्त जिस तरह से महामारी फैल रही है, उस पे भी आप सबको चीजों को रखना होगा। इसके अलावा जो नॉन कोविड बातें हैं, जैसे कल हाथरस में एक 19 साल की बच्ची के जबान काट दी गई, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, उसको जो है कल रात जो है यूपी पुलिस ने घर वालों के बिना सहमति के अंतिम संस्कार भी कर दिया, तो सिर्फ यातनाएं, मुसीबतें डॉक्टर कफील के ऊपर नहीं आई हैं। बहुत से लोग हैं जिनको दबाया जा रहा है, बहुत से लोग जो मर गए, बहुत से लोग अभी भी जेल में हैं। आपको यकीन नहीं होगा कि 1,00,000 लोग जो हैं, जब से भारत में कोरोना वायरस आया है, उससे 1,00,000 परिवारों ने अपने लोगों की जिंदगियां गवा दी हैं, 1,00,000 लोग मरे हैं। लेकिन नॉन कोविड बीमारी जैसे बाकी चीजें हैं, उससे 1,00,000,000 से ज्यादा लोग मर चुके हैं, 1,00,000। इसके अलावा जिस तरह से देश में जो है माहौल, जो बेसिक बातों को छोड़ के बाकी बातें की जाती हैं, हमारी इकोनॉमी पूरी तरह से डूब चुकी है, हमारे न, न, न,
जो जीडीपी है वो बर्बाद हो रही है, नौकरियां रोजगार लोगों को मिल नहीं रहे हैं, एजुकेशन एक तरह से जो है प्राइवेट सेक्टर के हाथ में चला जाता है, फार्मर्स का भी अभी एजिटेशन आपने देखा, ये जो अधिनियम लाया गया है किसानों का ये हालत हो जाएगा। जो जो बड़े किसान है उनकी बात नहीं करूंगा, जो छोटे किसान है बेचारे वो सारे जो है उनको एक मजबूर कर दिया जाएगा कि एक प्लेटफॉर्म पे जाके वो औने पौने दाम में अपना अनाज बेचें। बस तो इसी के लिए आया था कि मैं अपना कोई जन्मदिन नहीं मना रहा था कल, इसलिए आपसे मुखातिब नहीं हुआ, आज मुखातिब होना चाहता था। आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ जिस जिसने भी मुझे शुभकामनाएं और प्यार और संदेश और सब कुछ भेजा है। और बस इतना ही कहना चाहूंगा कि अभी हम लोग जो हैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में हैं, बहुत बड़ी महामारी में हैं, उसको लेके हम लोग जो हैं आइए सब साथ मिलके अपने देश के लिए, अपने उसके लिए, देश की तरक्की के लिए साथ में आ जाएं। किसी को कोई कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझसे क्वेश्चन अभी पूछ सकते हैं। शाहरुख शौकीन सैफी साहब, तंदुरुस्ती ख्याल रख रहा हूँ, अम्मी जान के साथी हूँ। मनीषा बहन के लिए मैं बोल रहा हूँ, देखिए नाम नहीं लीजिए, मैं उनके लिए भी बोला हूँ, मैंने परसों भी लिखा था। मैं एक बात भी बता देना चाहता हूँ कि कुछ ही बलात्कार की घटनाएं हमारे सामने आती हैं, निर्भया कांड हुआ, चाहे तेलंगाना का डॉक्टर के कांड हुआ, चाहे कल हाथरस की घटना हुई, लेकिन आपको ये बता दूं 97 बलात्कार रोज हो रहे हैं इंडिया में। हमारी 5 साल की 10 साल की बच्चियां भी महफूज नहीं है, तो ये बड़ी बात है। शुक्रिया। आपको कोई क्वेश्चन पूछना होगा तो मैं 2 तारीख को फिर से आपके बीच में, 2 तारीख को शाम को 6 बजे, 2 तारीख को, 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन शाम को 6 बजे आपके पास फिर से लाइव आऊंगा, और आपके पास जितने भी क्वेश्चन हो मुझसे लेके, जैसे आप पूछ रहे हो पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करोगे कि नहीं, आप जो है योगी जी से डर गए हो, भाग गए हो, तो ये सारे क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, सारे क्वेश्चन का दिल से जवाब दूंगा इंशाल्लाह। नमस्कार अनुपम जय जी। शाबान कुरैशी जी, मैं भाभी वो तो कॉल कैसे करूंगा आपको। अब मैं और एक बात और कहना चाहूंगा कि बहुत से कॉल आ रहे हैं, बहुत से मैसेज आ रहे हैं, आपको ये समझना होगा कि 7.5 महीने की इस जिद्दोजहद में मेरी पूरी फैमिली थोड़ी डरी हुई है, टूट गई है, खासकर अम्मी जान, तो उनके साथ टाइम बिता रहा हूँ, अपने बच्चों के साथ रहता हूँ, तो एक आधी घंटा जो है मैं फोन और सोशल मीडिया पे या फिर इंटरव्यू पे आ सकता हूँ, बाकी टाइम मैं अपने फैमिली के साथ गुजार रहा हूँ, तो माफी चाहता हूँ कि सबका फोन मैं उठा नहीं पा रहा हूँगा, माफी चाहता हूँ कि सबके व्हाट्सएप पर या फिर फेसबुक पे या फिर ट्विटर पे या फिर इंस्टाग्राम पे जो आप मुझे मैसेज कर रहे हो उनका सबका जवाब नहीं दे पा रहा हूँ। और क्योंकि मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ कि 4 लोगों को सोशल मीडिया हैंडल करने के लिए रखूं, मैं खुद अपना सोशल मीडिया सारा चलाता हूँ, सारे व्हाट्सएप खुद चलाता हूँ, तो अगर आपका मैसेज मेरे सामने आता है तो मैं देख के जरूर हर किसी को कोशिश करता हूँ कि मैं जवाब दे सकूँ। जी हबीब मलिक साहब, मैं मैसेंजर चेक करके आपका देखता हूँ। मोहम्मद आयतुल्ला साहब, लव यू टू, लव यू भाई, एवरीबडी, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।